हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी जी 36 न्यूज पर। और आइए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जॉब को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, जॉब नोटिफिकेशन को लेकर के एक नई अपडेट आई है। ESIC कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भर्ती 2021 6552 अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए नोटिफिकेशन के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिसमें जो कि हम आपको नोटिफिकेशन के जरिए एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, इंपॉर्टेंट डेट शेड्यूल, एप्लीकेशन एग्जाम फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी पेमेंट आदि कितना और क्या होने वाला है हम इस वीडियो के थ्रू डिस्कशन करके बताने वाले हैं। एक बात और दोस्तों की आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सब इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी वीडियो के जरिए आपको इस खबर की सारी जानकारी बताई जाएगी दोस्तों। और एक बात है दोस्तों कि इस वीडियो को आप बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि इसी वीडियो के जरिए आपको इस खबर की सारी जानकारी बताई जाएगी दोस्तों। तो चलिए जानते हैं इस खबर की पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, तो जैसे कि हमने आपको बताया था, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम में भर्ती 2021 पोस्ट का नाम है अपर डिवीजन क्लर्क या अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कुल पद है 6306 पद, और साथ ही अपर डिवीजन क्लर्क का सैलरी पेमेंट है 25,500 से लेकर के 81,100 रुपये है। और जी हाँ दोस्तों, दूसरा पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी। जी हाँ दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी में 246 पद है, और इसमें पेमेंट है, वेतन पेमेंट है दोस्तों 67,700 प्लस है। और अपर डिवीजन क्लर्क या अपर डिवीजन क्लर्क कैशियर के शैक्षणिक योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी, तो UDC मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना अनिवार्य है, और साथ ही स्टेनोग्राफर में 12वीं पास में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड में इंटरमीडिएट परीक्षा रिएक्शन 10 मिनट 80 शब्द प्रति मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट में 65 मिनट हिंदी केवल कंप्यूटर टाइप होना अनिवार्य है। और इसमें आयु सीमा एज लिमिट भी दी गई है दोस्तों, तो इसमें एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, 18 साल से कम नहीं होने चाहिए और 27 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और कार्यस्थल है ऑल इंडिया, तो ESIC UDC चयन प्रक्रिया चयन ऑनलाइन टेस्ट लिखित परीक्षा के आधार पर होगा दोस्तों। आवेदन शुल्क जनरल OBC को 500 और वहीं SC ST PH महिला के लिए 250 रुपये के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही ESIC कैसे आवेदन करें, तो इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नोटिफिकेशन के अनुसार या उससे पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन के आधार पर www.esic.nic.in के जरिए माध्यम से इस सरकारी नौकरी को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन जमा होने की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है दोस्तों, और ना ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि घोषित की गई है। जैसे ही इसमें अंतिम तिथि व प्रारंभिक तिथि बताती है, हम आपको हमारे CG36 न्यूज चैनल के द्वारा बता देंगे। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट www.sic.nic.in विजिट कर सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दिया गया। आई होप कि बताई गई जानकारी पूरी समझ में आ गई होगी। यदि कहीं भी समझ में नहीं आई हो या कहीं भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव या नॉलेजेबल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस टाइप की वीडियो आपके मोबाइल पर रोजाना अपडेट होती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।